आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डेंगू और वायरल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनपद भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हैं। महानगर में पार्षदों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि अगले 2 सप्ताह बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सभी को सतर्क रहना होगा। आगरा में डेंगू और वायरल के प्रति प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। जिले भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। महानगर में पार्षदों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि लोगों के लिए 2 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लोग आसपास पानी जमा ना होने दें। देखिए, 2 तरह है। एक तो लोगों को अवेयरनेस करना, उसके सबके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं अलग अलग ब्लॉक वाइज, MOSC वाइज, और जो हमारा अर्बन एरिया में जितने वार्ड्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उनको ले करके एक काम किया जा रहा है। जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ पे अलग से हम लोग एंटी लार्वा छिड़काव कर रहे हैं। जो घर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों के जो कूलर हैं उसमें पानी, जो फ्रेश वाटर होता है, वहाँ उसको इकट्ठा न होने दिया जाए, रेगुलर साफ करें उसको, उसके लिए आग्रह किया जा रहा है। जहाँ तक अस्पतालों की तैयारी है, और हम लोग जो लोग अभी सैंपल कर रहे हैं, जो प्राइवेट है, जहाँ पैथोलॉजी है वहाँ पर, सरकारी और हॉस्पिटल्स में भी ट्रैक कर रहे हैं उसको। जहाँ भी आता है अलग से स्वास्थ्य विभाग की टीम, और अगर नगर निगम एरिया है तो नगर निगम की टीम, अगर ब्लॉक का एरिया है तो ब्लॉक की टीम जाकर के वहाँ सफाई करती है विशेष रूप से और कम 2 दिन का स्वास्थ्य विभाग की टीम जाके वहाँ पे अपने कैंप करती है, ताकि ऐसे लोग जिनको सर्दी खांसी जुखाम बुखार है उनको एक बार आइडेंटिफाई करके उनको दवा दिया जाए, अर्ली उपचार, और अपने को मच्छर से बचा के रखा जाए और उसको पनपने न दिया जाए। इसमें जो काम होता है वो काम चल रहा है। आने वाला 2 वीक हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, अतः लोगों से अपील है कि अपने को बचा के रखें और जो कहा जा रहा है उसका पालन करें, ताकि हम लोग केसेस की संख्या ज़्यादा राइज ना हो। आपको बता दें कि मथुरा फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। लोग वायरल की चपेट में हैं। जिले में अब तक डेंगू के 5 केस मिल चुके हैं, लेकिन दर्जनों केस सस्पेक्ट वाले हैं, जिनको सतर्कता के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।